दिल्ली वालों को उमस वाली गर्मी से राहत मिल गई है। शुक्रवार की शाम को हुई हल्की बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया, लेकिन आज सुबह सुबह भी तेज बारिश ने दिल्ली का तापमान और भी गिरा दिया। आज के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन माना जा रहा है कि बारिश से मिली ये राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। वहीं बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी से जहां राहत मिली, तो दूसरी तरफ जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव के कारण दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई। मूलचंद अंडरपास में भी पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित हुआ। प्रगति मैदान इलाके में सड़क पर पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के आईटीओ पर बसें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगस्त महीने में दिल्ली के लिए सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है। 22 अगस्त से बारिश कम होना शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त को बूंदाबांदी की संभावना है। 24 अगस्त से मौसम शुष्क हो जाएगा और इसके साथ ही तापमान बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। ये ब्रेक कम से कम 26 अगस्त तक रहेगा और 25 और 26 अगस्त को तापमान एक बार फिर 37 डिग्री को छू जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।